आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है? कप्तान के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं 3 घंटे तक इनकी नवाज यहाँ से लंदन की उबाल लेंगे। उसको कहना कि एब्सोल्युटली बुशरा बीबी की निस्बत जमाइमा खान ज्यादा पाकिस्तानियों में मकबूल है, ये क्या वजह है? इनके बेटों से मुलाकात भी हुई है आपकी, वो पिक्चर्स हुई है, बेटे क्या सोच रहे हैं और कप्तान ने क्या पैगाम दिया होगा अपने बेटों को? ये इमरान खान ने कहा जब वापस आते थे तो मुझे अक्सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं भावलपुर में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई पंजाब फारूक अहमद मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और इमरान खान के बहुत ही क्लोज दोस्त 25 साल पुराना साथी, आज हम उनसे इमरान खान के हवाले से बातचीत करेंगे और कप्तान के बेटों के हवाले से बात करेंगे, जमाइमा खान के हवाले से बात करेंगे और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में ज्यादा मकबूल आखिर जमाइमा खान क्यों है और कप्तान के बारे में, कप्तान जेल से कब आने वाले हैं और कप्तान के लिए खुशखबरी कौन सी आने वाली है, क्योंकि इनका एक मैं व्लॉग देख रहा था कुछ दिन पहले, बहुत ही वायरल हुआ। उस व्लॉग में मैंने देखा कि इन्होंने एक पेशगोई की कि कुछ ही दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात में जो मुलविस अफराद थे वो पिशावर से जमानतें मिल गई हैं उन्हें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पेशगोई की कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जैसे सनम जवेद, आलिया हमजा और बहुत सी जो ऐसी खवातीन हैं वो यास्मीन राशिद हो जाएं, तो ये सबकी जमानतें भी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएंगी। और रात ये ब्रेकिंग न्यूज चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की वो जमानतें भी हो गई। आज हम इनसे ये भी पूछेंगे कब तक इमरान खान की बेल होने में वक्त लग सकता है और कब इमरान खान का पाकिस्तानी दीदार कर सकेंगे, ये सब तफसीलात आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। फारूक अहमद मलिक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब, मैंने आपसे कुछ सवालात जो आपने मेरे सुने भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपको कैसे पता चला कि आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिससे आपको पता चल गया कि पीटीआई के जो 9 मई के वाकयात में मुलविस थे अफराद, मुलविस थे या नहीं थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी बेल्स हो गई हैं, उनकी जमानतें हो गई हैं, तो अब आपने पेशगोई की कि आलिया हमजा और सनम जवेद की भी जमानतें हो गई हैं, तो वो रात हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे, कप्तान कब तक आपको नजर आ रहे बाहर आते हुए? पहले तो मैं आपको बताऊं कि कप्तान के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी है। वेरी गुड। कप्तान के बारे में इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको इंशाल्लाह ये बताता हूँ। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चला, तो जब प्रेसिडेंट आरिफ इलवी साहब तशरीफ ले गए हैं अटक जेल में, 3 घंटे तक इनकी मुलाकात हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 40 दिन से अटक जेल में इमरान खान थे, तो 40 दिन के बाद डॉक्टर आरिफ इलवी क्यों गए हैं जेल में मुलाकात करने के लिए? तो अकलमंदों के लिए तो फिर इशारे काफ़ी होते हैं। तो बना मेरे एक सोर्सेज ने मुझे बताया कि जहां ये मुलाकात हुई है और वो अटक जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, मैं आपको ये भी बताऊं कि वो मुलाकात अटक जेल में नहीं हुई लेकिन इन दोनों की मुलाकात हुई है, ये एक मैं अहम बात बता रहा हूं आपको। तो मुझे पता था उस जो इनके आपस में गुफ्तगू हुई है और उसमें बहुत सारी बातें तय हो चुकी है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ अमेरिका में एक टीवी इंटरव्यू दिया है अमेरिकन सहाफ़ी को कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन में जाए और वो मुनसफाना इलेक्शन होंगे, तो इसको बेचारे को पता ही नहीं है कि पुल के नीचे से कितना पानी बह चुका है और आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग के कैंप में क्यों चीखों की आवाजें आ रही हैं और क्यों रोया जा रहा है और किस तरह ये एक दिन के लिए आए शहबाज शरीफ पाकिस्तान में और किस तरह फिर गए, ये आपके सामने है। तो मैं आपको बताऊं कि
जैसे मैंने कहा है कि बहुत खुशखबरी आने वाली है, और मैंने ये भी कहा था कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं और लाहौर की जबान से भी शुरू हो जाएगी। तो कल आपके सामने ही है कि सनम जावेद की जमानत हाई कोर्ट ने ले ली है, और मेरी इतला के मुताबिक इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में जितने भी खवातीन है वो सब बाहर होंगी, बाहर आ जाएंगी। अच्छा, ये खवातीन तो मलिक साहब बाहर आ जाएंगी, अब मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज यहाँ से लंदन क्यों भाग गई हैं? रातों रात शहबाज शरीफ सिर्फ 24 घंटों के लिए पाकिस्तान में आए और फिर वो लंदन कूच कर गए, आपके लिए वजह क्या बनी इन दोनों की? देखें, इनकी तो अपना घर भी वही है, इनकी ईदें भी वही है, इनकी शब बारात भी वही है। ये पाकिस्तान में तो सिर्फ इकतदार के लिए आए थे, और उनको पता है कि 16 महीने जिस तरीके से अवाम के हमने चीखे निकलवाई है, जिस तरीके से अवाम के साथ इनका रवैया रहा है, और फिर जब मौसूफ इनके वाले साहब ने, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि देन देख का एक चावल चखा जाता है, और वो तो 2-3 दफा चखे जा चुके हैं, अब मुमकिन नहीं है। और मौसूफ ने एक बात हो रही थी इनसे, मौसूफ ने वो कहते हैं ना कि मैं आपको ऐसी मिसाल है आपको मैं दूं तो मुनासिब नहीं होगा, अपने पांव पे उसने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन वो शुरू से ही उसको आर्मी चीफ जितने भी हैं उनसे पंगा लेने का शौक था, शौक है उसको। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो जनरल है हमारी डोमेन में क्यों आते हैं, इनको हमारे डोमेन में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है, किसने इनको इजाजत दी है, ये किसने कहा था, ये मियां नवाज शरीफ ने कहा था। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट को वो सारी बातें भूल गई है? भूली नहीं है, लेकिन सिर्फ इमरान खान की वजह से। लेकिन अब मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैं एक फोरकास्ट करने लगा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है कि इमरान खान इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। असल में एस्टेब्लिशमेंट जो मुखालफत जो पहले शुरू में जो हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो हुआ है ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसमें मुल्क इन्वॉल्व है। अच्छा जी, मुझे मलिक साहब एक और सवाल बताएं, क्या इमरान खान 25 साल पहले एक अच्छे सियासतदान थे या वो अब बड़े सियासतदान बन चुके हैं? यार मैं तो देखिए क्योंकि आप 25 साल उनके साथ रह गए हैं, स्टार्टिंग से आपने पानी रुकन भी हैं आपके बीटे पंजाब के, तो आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान के बारे में, वो 25 साल पहले एक सियासतदान अच्छा था या वो अब ज्यादा बहुत बड़ा सियासतदान? 25 साल या मुझे तो 29 साल हो गए तहरीके साहब में, इख्तलाफात मैंने किए हैं इमरान खान से, मैं हमेशा सच की सियासत मैंने की और सच बोलता था, और सच बोलने के लिए ज़रा सफ़र भी करना पड़ता है इंसान को, खैर ये मेरी अंदर की पार्टी की अंदर की कहानियाँ हैं। तो इमरान खान 29 साल पहले भी मुहब वतन था, आज भी मुहब वतन है, 25 साल पहले इतना दिलेर और नडर आदमी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और उसने साबित कर दिया है कि देखिए एक बहुत बड़ी ताकत है, सुपर ताकत, सुपर जो इस वक्त सुपर पावर जो है अमेरिका, तो उसको कहना कि एब्सोल्युटली नॉट। और अक़्वामे मुत्तहिदा में जो इमरान खान ने एक स्पीच की, और इमरान खान हमेशा ये कहते आए हैं कि मेरे मुल्क को मुझसे ज्यादा मेरी फौज की जरूरत है, एक ताकतवर फौज की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि जो इमरान खान को इस वक्त जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या जिस तरह इंसानों से गलतियां होती हैं उनसे भी गलतियां हुई हैं, ठीक है वो भी इंसान है, हम भी सियासतदान सारे इंसान हैं, तो गलतियां दोनों साइड से हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फौज के खिलाफ जा रहे हैं जो लोग भी, वो पाकिस्तान और इमरान खान के काज को नुकसान पहुंचे। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल आपसे है कि आप ये बताएं, सोशल मीडिया पर इस टाइम ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, जो प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इन पे
बुशरा बीबी की निस्बत जमायमा खान ज्यादा पाकिस्तानियों में मकबूल है, ये क्या वजह है कि बुशरा बीबी इस टाइम में इमरान खान के साथ भी खड़ी हैं, उनकी मिसेज भी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में ज्यादा मकबूल इस टाइम जमायमा खान आखिर क्यों और क्या वजह है? हमारा जो हम जो पाकिस्तानी है, वैसे भी दुनिया के लोग जो है वो मोहब्बत और वफा से बंधे होते हैं हमेशा ही। जमायमा खान ने इमरान खान से बहुत वफा निभाई है और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, मुझे आज तक याद है कि पहली दफा जब जमायमा खान पे टाइलों का मुकदमा बना था कि ये नवादरात लेके चोरी नवादरात लेके जा रही थी। देखें इनका हमेशा से किरदार जो रहा है ना मुस्लिम लीग का, जैसे इन्होंने पीपल्स पार्टी की कायद बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीरें जिस तरह, मतलब मुझे तो शर्म आती है जिस तरह इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ किया, उनकी किरदार कशी की, और इसी तरह फिर इन्होंने जमायमा खान से भी वही सलूक शुरू कर दिया था। एक उस वक्त जो खबरें अखबार थी और जिया शाह साहब थे उनके हवाले से उनको आगे उन्होंने किया हुआ था और जमायमा खान की किरदार कशी होती थी उस वक्त खबरें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बाद में आया तो ये किरदार कशी उन्होंने पहले शुरू कर दी थी। लेकिन उस औरत की कमाल ये है कि आज तक वो ना इमरान खान के खिलाफ ना पाकिस्तान के खिलाफ कभी वो एक लफ्ज भी उसने कभी नहीं बोला। तो बाकी रह गई बुशरा बीबी, तो ये खातून देखे मतनाजा बातें हैं बहुत सारी। अब मैं इसमें देखे मैंने हमेशा सच बोला है, मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। आज अगर तोशा खाना में जो केस चले हुए हैं वो भी अगर इमरान खान का हमेशा से ये रहा है कि मेरे जो गिफ्ट वहाँ बाहर से मिलते हैं वो स्टेट के होते हैं, और ये तोशा खाना से गिफ्ट किसने लिए ये भी एक मामला है, आप सोच सकते हैं कि किस वजह से ये गिफ्ट लाए गए और वो केस बना। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा बीबी ने ये गिफ्ट वगैरह निकलवाए हैं या जो भी सूरत हाल है। इमरान खान तो कल भी इंतहाई ऑनेस्ट आदमी था और आज भी वो इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, और जितने भी आप अल कादिर का केस है ट्रस्ट का और यूनिवर्सिटी का या जो भी सूरत हाल है, बहरहाल इसमें इससे ज़्यादा मैं बात इस पर नहीं करना चाहता। दूसरा बीबी पे आप आवाम भी देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। मलिक साहब मैं आपसे ये एक और सवाल मेरा ये है कि आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्टार्टिंग में साथ थे इमरान खान के, तो आपने जब उनके घर जाते थे जमान पार्क या बनीगाला, तो जमान पार्क में आप उनके बेटों से मुलाकात भी हुई है, आपकी वो पिक्चर्स भी हैं, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि फारूक अहमद मलिक साहब जब इमरान खान के घर जाते थे तो वहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए कौन कौन सामने आता था, शायद कप्तान के बेटे क्यों आते थे, क्योंकि और जमायमा खान की कभी मुलाकात फेस टू फेस हुई है जब आप उनके घर पे जाते थे? मेरी दो दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है जमायमा खान से, एक पेशावर कन्वेंशन था तो वहाँ हुई उनसे मुलाकात, और एक जमान पार्क में भी हुई थी इमरान खान साहब साथ थे। तो ये आप मेरी तस्वीर भी मैं आपको देता हूँ वो भी, लेकिन मैं इस उम्र में तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था, ये मेरी उम्र थी, और आज आपके सामने ये है कि आज हम जिस एज में आप पहुँचे हैं, और लोग तो दो दो साल बाद पार्टियाँ बदलते हैं, लेकिन मैंने 29 साल एक ही पार्टी में गुजारा है, और मेरा इरादा भी आगे यही है कि मैं इस दुनिया से तहरीक इंसाफ में रहूँगा ही और इस दुनिया से कुछ करूँगा, क्योंकि इससे बेहतरीन लीडर मुझे कभी कोई नज़र नहीं आया ना मेरे ख्याल में ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं। तो जमायमा खान तो एक ज़बरदस्त खातून थी, एक वफा का पैकर खातून थी, आपके सामने ही है कि जिस तरह उसने मैंने जैसे पहले कहा है कि जिंदगी गुजारी है, तो बच्चे भी जहर सी बात है कि उस वक्त हमें मिलते थे, मैं पहला भावलपुर का डिविजनल सदर था, मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का तो बाद में बना, तो मैंने यहाँ से शुरू किया, फिर मैंने
फिर असल में हमने और कोई काम ही नहीं किया सिवाय तहरीक इंसाफ के, पॉलिटिक्स के, और हमने उस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ी। जैसे हम पहला इलेक्शन हारे आपको पता है, फिर उसके बाद सारी जो है वो चूरी खाने वाले बिट्टू जो है वो सारे उड़ गए, तो बाकी बचे नजरियाती लोग। फिर उन्होंने 2011 तक जो है पार्टी का साथ दिया, सर्वाइवल की जंग लड़ी। उसके बाद जिस तरह भी आगे काफला चलता रहा वो आपके सामने। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल पाकिस्तानियों का भी ऐड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे YouTube पर बहुत ही कमेंट्स आते हैं कि इमरान खान इस टाइम जेल में है और बेटे क्या सोच रहे हैं और कप्तान ने क्या पैगाम दिया होगा अपने बेटों को कि पाकिस्तान आओ या ना आओ, या पाकिस्तान में आकर आपने सियासत में हिस्सा लेने का उन्होंने, आई थिंक लोग पूछ रहे हैं कि सलमान खान जो कप्तान का बड़ा बेटा है वो सियासत में आने वाला है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कभी सियासत में आएंगे, या अपने बाप के इस मुश्किल वक्त में बेटे क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहे? देखिए कप्तान भी जेल से अपने बेटों से बात करने के लिए बेताब है यार। बाप बेटे का औलाद और बाप का रिश्ता ऐसा है कि इससे सच्चा रिश्ता तो और दुनिया में कोई नहीं है जो औलाद का और माँ बाप का है, तो एक तो ये तय हो गया। बाकी देखे वहाँ वो पढ़ते रहे हैं, इनके साथ मुसलसल रबते में रहे हैं और कुछ ऐसा ये नहीं आ सके, ये उनका फैमिली का आपका मैटर है। लेकिन जहाँ तक इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक बैन अवी इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा का जो लीडर बनकर उभर रहे हैं इमरान खान, तो उनके बेटों की पार्टी में आना या ना आना कोई हैसियत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आ जाएंगे तो वेल एंड गुड आ जाएंगे, लेकिन उनको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो तहरीक इंसाफ में सफर करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन जो आपने किया है। इस वक्त इमरान खान अपने नजरिए की जंग लड़ रहे हैं, अपने नजरिए की जंग लड़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है, लोग इस नजरिए को गलत समझते हैं, कि लोग ये समझ रहे हैं कि आर्मी के खिलाफ इनका नजरिया है या मतलब आजादी, किस आजादी। मैं कहता हूं कि इमरान खान का जो नजरिया है, मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं कि उनका यही है कि पाकिस्तान की मजबूत फौज पाकिस्तान की मुझसे ज्यादा जरूरत है, मजबूत फौज की। ठीक है, क्या ये इमरान खान ने कहा है या मैं कह रहा हूँ ये इमरान खान ने कहा है? ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ यही है कि बंद कमरों में फैसले ना करें, हम सब मिलकर ये, जैसे कैदी अजहर ने कहा था कि ये फैसले हमारे ऊपर छोड़ दें, ये फैसले अवाम करेगी, जमहूरियत करेगी या जिस तरह की भी। लेकिन अगर मैं समझता हूँ, मेरा अपना नजरिया है कि अगर ये मुश्तरक तौर पर अच्छे तरीके से हम आगी के साथ अगर फैसले कर लिए जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये अकेला पाकिस्तान में आप सुबह कह रही है कि सियासतदान भी नहीं चल सकते, सियासतदानों ने जो कुछ किया इमरान के अलावा 75 सालों में वो भी आपके सामने है। और मेरे ख्याल में लोग अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर बड़ा ज़बरदस्त था और जनरल अयूब खान का भी दौर बड़ा ज़बरदस्त था, वो फौजी डिक्टेटर ही थे। तो डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं, बंदा कैसा है आगे, तो इमरान खान का तो किसी के साथ अब मुकाबला नहीं। अच्छा मैं एक पिक्चर देख रहा था आपकी ब्रांड पे परवेज मुशर्रफ साहब की, तो दुबई में आपकी भी मुलाकात वगैरह रह गई है परवेज मुशर्रफ साहब से, आपको वो कैसे लगते थे? जबरदस्त इंसान थे वो, इसमें तो कोई शक तो है नहीं। मेरे उनके साथ बड़े भाइयों वाला रिश्ता था। मैंने आपको बताऊं कि जब लंदन से वापस आते थे तो मुझे अक्सर रात को अगर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भी उनकी फ्लाइट है तो जो भी फ्लाइट से उतरते तो घर पहुँचते तो मुझे मोबाइल पे या मैसेज छोड़ देते या कभी कभी कॉल भी कर देते कि फारूक मैं आ गया हूँ तो कल आप आओ पार्टी ऑफिस में। तो मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उनके दौर में बड़े ज़बरदस्त, मैं आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा हम खाना खा रहे थे, एक इंडियन मुझे कहने लगा कि
पाकिस्तान को अगर किसी लीडर ने फायदा पहुंचाया बहुत ज्यादा डॉलरों की शक्ल में, अमेरिका को जिसने लूट लिया है तो वो परवेज मुशर्रफ है। लेकिन कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मलिक साजिद को दीजिए इजाजत।